नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिश्चियन देश न्यूज। कोरोना के चलते इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम टाउन स्थित NMPG कॉलेज मैदान में हुआ, जहां समारोह की शुरुआत सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री जाकिर हुसैन के ध्वजारोहण से हुई। ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ने परेड का निरीक्षण किया और फिर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री जाकिर हुसैन के अलावा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वसीम हुसैन व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा मुख्य रूप से उपस्थित थी। इसी दौरान उपखंड क्षेत्र पीलीवंगा के न्यायालय परिसर में पीलीवंगा बार संघ अध्यक्ष अधिवक्ता गौरीशंकर घाट ने ध्वजारोहण किया। अधिवक्ता महावीर अरोड़ा ने बताया कि बार संघ अध्यक्ष ने आज़ादी की परंपरा से अवगत करवाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्णता से करने की बात कही। इस दौरान न्यायालय रीडर कृष्ण खोड़, अधिवक्तागण राजविंदर सिंह, कुलदीप रमाना, महावीर अरोड़ा, अर्जुन नरोका, अशोक चालिया, संदीप गुदारा, घनश्याम राठौड़, मारूफ खान, रवि धूड़िया, धनराज चंद्रकांत वर्मा, शकील अहमद, राकेश कुमार, अरविंद सोनी, महेंद्र सिंह, रवि सिंह, श्याम सिंह, मंगलाराम, भवानी सिंह, मांगीलाल सुथार, पीलीवंगा पुलिस प्रशासन से राजेंद्र चोटिया, अजय पाल काकड़, रमेश कालूराम, बंसीलाल मीना आदि उपस्थित थे। इस दौरान न्यायालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। पीलीवंगा से कृष्ण देश न्यूज की रिपोर्ट।